न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। झांसी में कर्नल सोमवीर डब्बास के मार्गदर्शन में 32 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी झांसी द्वारा यातायात सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। पूरा कार्यक्रम इलाइट चौराहे पर हुआ, जिसे शहर का दिल कहा जाता है। और ये भीड़ भाड़ वाला इलाका ट्रैफिक क्षेत्र है और वीरांगना लक्ष्मीबाई महाविद्यालय और आर्य कन्या महाविद्यालय कॉलेज के 50 कैडेटों ने ही उत्साहपूर्वक भाग लिया है। और कार्यक्रम की शुरुआत TSI KK शर्मा के सड़क सुरक्षा पर पुल भाषण से हुई है। उसके बाद आपको बता दें कि इसके बीच ही ट्रैफिक कंट्रोल से संबंधित कुछ सामान जैसे जैकेट, सीटियां और हेलमेट का वितरित किया गया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कैडेटों ने ही बाइकर्स और कार चालकों को हेलमेट पहनने और वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करने के बारे में भी, साथ ही सीट बेल्ट पहनने के बारे में निर्देशित और प्रेरित किया है। झांसी के बुलेंद खंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में ही जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखित पत्र देकर कहा गया कि उत्तर प्रदेश की अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस की कथनी को धता दिखाते हुए बुलेंद खंड क्षेत्र में उन्हीं की नुमाइंदों की छात्र छाया में पड़े पैमानों में ही डंके की चोट पर अवैध खनन किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन मूक दर्शन बना अवैध खनन होते देख रहा है। कभी किसी घाट पर तो कभी किसी घाट पर कोई छोटी कार्रवाई कर अपने कर्तव्य की दिखा रहा है। और आपको बता दें कि खनन अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार झांसी में ही मात्र 9 बालू के घाटों पर खनन के लिए पट्टा दिया गया है और शेष पट्टा होना बाकी है। ये भी जानकारी दी गई है कि मात्र 10 फुट नीचे तक का खनन बिना बड़ी मशीन का प्रयोग कर नदी से किया जा सकता है। घाटों पर नजर रखने के लिए खनन विभाग, पुलिस, ग्राम सचिव, लेखपाल आदि अनेक सरकारी मुलाजिमों अवैध खनन की सूचना देने के लिए कार्य पर कर सकते हैं, पर तंत्र राजनेताओं और खनन माफियाओं के दबाव में या तो सूचना लेना ही नहीं चाहता या सूचना मिलने पर दबाव के चलते मौन हो जाता है। रायबरेली जैसे छोटे शहर में प्रदेश के कई नामी गिनामी और बड़े डॉक्टरों के द्वारा रायबरेली महोत्सव में निशुल्क जांच शिविर के मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। निशुल्क जांच और चिकित्सा शिविर का आयोजन लखनऊ मुंबई के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रवीण झा, MD लीवर और उदर रोग विशेषज्ञ, और डॉक्टर ऋतुकृति राय मनोचिकित्सक, डॉक्टर शशांक चौधरी कैंसर सर्जन सहारा हॉस्पिटल लखनऊ सहित लगभग एक दर्जन से ज़्यादा डॉक्टरों ने निशुल्क चिकित्सा शिविर में भाग लिया है। और जांच शिविर में लगभग 200 से ज़्यादा लोगों की जांच और परामर्श दिया गया। मैं डॉक्टर प्रवीण झा हूँ, DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, रीजेंसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ से। डॉक्टर साहब, आप हॉस्पिटल में लाइब्रेरी में आए हैं जी, कैंप में, तो कितने मरीज आए थे और किस तरह के मरीज हैं जी? यहाँ पे कई सारे मरीज आज इस बार हमने इस चिकित्सा शिविर में देखे हैं, ठीक है। करीबन 20 मरीज़ के करीब हमने आज यहाँ देखे हैं और मरीजों की बहुत वैरायटी ऑफ मरीज थे। किसी को सीने में तकलीफ थी, किसी को पेट में तकलीफ थी, किसी को वॉमिटिंग्स हो रही थी, तो बहुत सारे मरीज़ थे जिनको हम लोगों ने यहाँ पे कई जांचें करी हैं। सबका BP लिया, पल्स लिया, ECG करके देखे, ठीक है। मैं डॉक्टर श्रुति कीर्ति राय हूँ, मनोचिकित्सक हूँ, लखनऊ से आई हूँ। डॉक्टर, आप लाइब्रेरी आई हैं कैंप में, किस तरह के मरीज ज़्यादा आए हैं और क्या एडवाइस? काफ़ी मरीज़ थे, माइग्रेन से लेके डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हर टाइप के मरीज़ थे। तो सबको मैंने दवा दी और बाकी थोड़ी काउंसलिंग की है, थोड़ा सा बिहेवियरल चेंजेस करने के लिए बताया। जैसे सर्दियां हैं आजकल, तो सब लोग एक्सरसाइजेस वगैरह कोई नहीं करता है, घर में ज़्यादातर लोग बैठे हैं, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ रही हैं इस समय। तो सबको थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए, बाहर निकलने के लिए और थोड़ा सा बिहेवियरल चेंज करने के लिए मैंने थोड़ा सा एडवाइस किया है इस समय।
झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र के ही नई बस्ती इलाके से 2 महीने की मासूम बच्ची के गायब होने की घटना से हड़कंप मच गया है। बता दें आपको कि दिन रात मेहनत कर घटना से पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि बच्ची की मां को गिरफ्तार करते हुए बच्ची का शव नाले से बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मासूम बच्ची की कातिल उसकी माँ ही निकली है। और जानकारी के अनुसार 15 जनवरी को पुंछ थाना में नई बस्ती मोहल्ला निवासी नसरुद्दीन ने सूचना दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी 2 महीने की बेटी घर से अचानक गायब हो गई और पुलिस ने सूचना दर्ज कर जांच पड़ताल करते खोजबीन शुरू कर दी थी। और इधर बच्ची के मां ने पुलिस को घटना वाले दिन से ही गुमराह करना शुरू कर दिया था। और पुलिस गुमराह करते हुए बताया कि शायद उसकी पुत्री को जंगली बिल्ली ले गई है, लेकिन पुलिस ने गले या फिर बात उतर नहीं रही थी। और पुलिस ने शक के आधार पर ही बच्ची की मां रिजवाना को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि बेटी होने का उसे लगातार अवसाद लगा रहता था और इसलिए वो खुद सोच के बहाने पुत्री को ले जाकर नाले में डूबो कर ही मार दिया था और शव उसी जगह पर फेंक दिया था। और पुलिस ने आरोपी मां रिजवाना को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। काशगंज के विकास खंड सिद्धपुरा के प्रधान संगठन अध्यक्ष ने प्रधानों के साथ मिलकर 6 सूत्रीय ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम खंड विकास अधिकारी अजीत कुमार को सौंपा है। प्रधानों ने खंड विकास कार्यालय पर एकजुट होकर चम्मच और थाली बजाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। यह अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है काशगंज में, जहाँ पर 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। काशगंज में 2.5 साल मासूम बच्ची की तालाब में डूबकर मौत हो गई है। बच्ची बता दें आपको कि बीती देर शाम से लापता थी। बताया जा रहा है कि मासूम तालाब के पास अपनी मां के साथ आई थी और परिजनों को खोजबीन के बाद तालाब में मासूम का शव तैरता मिला है। वहीं बच्ची का शव देख परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें आपको कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इसके साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बलरामपुर में बाइक में भीषण आग लग गई है और साथ ही बाइक की पेट्रोल टंकी फटने से अफरा तफरी मच गई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। तो बलरामपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पेट्रोल टंकी फटने से मामला सामने आया है कि बाइक में भीषण आग लग गई, जिसके बाद बताया जा रहा है कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की अगर कहानी लिखी जाएगी तो उसमें पीलीभीत जिले का नाम शायद सबसे ऊपर हो। लगातार दूसरे दिन महिलाओं पर अत्याचार का मामला सामने आया है। नया मामला हजारा थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक मामूली विवाद में ही पति ने अपनी पत्नी को पलंग से बांधकर मारकर घायल पत्नी को ही CHC पूरनपुर में भर्ती कराया गया है और वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो पीलीभीत से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर मामूली विवाद को लेकर पत्नी की पिटाई का ये मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पति के द्वारा पत्नी को पहले पलंग से बांधा गया, उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई, जिसके बाद महिला घायल हो गई। फिलहाल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रावस्ती में नवनियुक्त महिला पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने श्रावस्ती की पुलिसिंग के नेतृत्व का कार्यभार संभाला है, जिसके चलते श्रावस्ती पुलिस अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने के मूड में नजर आ रही है और जिससे ये संभावना जताई जा रही है कि जिले में अपराधियों पर अंकुश लगेगा और इसके साथ ही महिलाओं से
संबंधित प्रकरणों में भी कमी आने की संभावना दिखाई दे रही है। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से भेंट वार्ता की है, जिसके बाद जिले की पुलिस व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए अपनी प्राथमिकताएं भी मीडिया को बताया गया है। हमीरपुर में सगा भाई ही बहन और भांजियों का हत्यारा निकला है। भाई ने हत्या कर बहन भांजियों को आग के हवाले कर दिया है। आरोपी भाई ने पुलिस की पूछताछ में अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। उसने बताया है कि नशे के लिए बहन ने पैसे नहीं दिए तो भाई ने बहन सहित दोनों मासूम भांजियों की हत्या कर दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।